दोस्तों टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कई सालों की कड़ी मेहनत से टीवी इंडस्ट्री में खुद की पहचान बनाई। उन्हीं में से एक है रीम शेख, जिन्हें आप सब जानते ही होंगे, जिन्होंने कई सीरियल में काम किया और अलग अलग किरदार निभाती नजर आई। पर इनका बेस्ट पॉपुलर शो रहा है तुझसे हिराबता, जिसमें इन्होंने कल्याणी मल्हार का किरदार बड़ी खूबसूरती से निभाया, सभी दर्शकों को दीवाना बनाया, जिसके चलते आज इन्हें किसी अलग पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग से काफी सफलता हासिल की है। इसलिए तो आज ये इतनी उम्र में ही टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन गई हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में अपनी मेहनत के साथ सफलता का अलग मुकाम हासिल करने वाले इस अदाकारा से जहां सब प्यार करते हैं, इनकी सफलता को देखकर वही चार सितारे जलते हैं। जी हाँ, वो सभी बहुत जलते हैं इनकी तरक्की से। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री के उन चार सितारों से मिलवाएंगे जो फेमस एक्ट्रेस रीम शेख की तरक्की से जलते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर वन, जन्नत जुबैर रहमानी। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम है जन्नत जुबैर रहमानी का, जिन्होंने कई सारे टीवी सीरियल में अभिनय करके अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों को अपना बनाया। आपको बता दें, सीरियल तू आशिकी में रीम शेख के साथ काम करने वाली अभिनेत्री जन्नत जुबैर भी आज उनकी तरक्की से जलती हैं, क्योंकि दर्शकों ने सीरियल तू आशिकी में इनसे ज्यादा उनकी को स्टार बनी रीम शेख को पसंद किया, जो शो में कुछ दिनों के लिए आई थी, पर फिर भी उनकी एक्टिंग को इतना ज्यादा सराहा गया जितना इन्हें पूरे शो में लीड रोल के लिए नहीं सराहा गया। इसलिए तभी से जन्नत जुबैर उनकी सफलता से जलने लगी हैं। नंबर टू, अवनीत कौर। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम है टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस अवनीत कौर का, जिन्होंने इंडस्ट्री में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की। आज टीवी इंडस्ट्री की नंबर वन एक्ट्रेस बन गई हैं। आपको बता दें, ये अभिनेत्री रीम शेख की तरक्की से बहुत जलती हैं, जबकि दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थे। लेकिन अब ये उनकी तरक्की से इसलिए जलती हैं क्योंकि इनकी बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ निगम ने रीम शेख की तरक्की देखकर उन्हें अपना दोस्त बना लिया और इन्हें भुला दिया, जिससे बाद में जिसकी वजह से अवनीत कौर उनकी सफलता से जलती हैं, क्योंकि आज वो सफल ना होती तो इनसे इनका दोस्त ना चिंता। नंबर थ्री, धीरज धूपर। इस लिस्ट की तीसरी कड़ी में नाम है कुंडली भाग्य सीरियल से फेम पाने वाले अभिनेता धीरज धूपर का, जो टीवी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता हैं, पर ये भी फेमस एक्ट्रेस रीम शेख की सफलता से जलते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि फेमस एक्ट्रेस रीम शेख ने एक इंटरव्यू में कहा कि धीरज धूपर बेशक ही काफी समय से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जैसी सफलता हासिल नहीं कर पाए। इसलिए धीरज धूपर कहते हैं कि उन्हें कैसे सफलता हासिल हो गई, तभी से धीरज धूपर उनकी सफलता से बहुत जलते हैं, उन्हें देखकर ना खुश हैं। नंबर फोर, अभिषेक निगम। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर नाम है अभिषेक निगम का, जो टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस रीम शेख से जलते हैं, क्योंकि रीम इनके भाई सिद्धार्थ निगम की तरह एक कम उम्र में सक्सेसफुल एक्ट्रेस में से एक बन गई, जिन्होंने अपने दम पर टीवी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है, जिसके चलते अभिषेक निगम की पहचान फेमस एक्ट्रेस रीम शेख से कम है और लोग रीम शेख के मुताबिक अभिषेक निगम को कम पसंद करते हैं, इसलिए ये इनकी तरक्की से जलते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इन सितारों के बारे में जानकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।